बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही। सीधा रुख करेंगे एसएजी के दोहरे संविधान का मामला सामने आया। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला। निधन के बाद मिली है प्रकाश बादल को क्लीन चिट। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक। बता दें पंजाब के होशियारपुर कोर्ट में ये मामला जो है रद्द किया गया है। तो निधन के बाद मिली है प्रकाश बादल को क्लीन चिट, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक। पंजाब के होशियारपुर कोर्ट में चल रहा मामला जो है वो रद्द किया गया है। देखिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको जानकारी देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक। पंजाब के होशियारपुर कोर्ट में चल रहा मामला जो है वो फिलहाल रद्द हो गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। पंजाब के होशियारपुर कोर्ट में चल रहा मामला जो है वो रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। एसएजी के दोहरे संविधान का मामला, आपको जानकारी दे दें, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और इस फैसले में आपको जानकारी दे दें, निधन के बाद मिली है प्रकाश बादल को क्लीन चिट मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। पंजाब की होशियारपुर कोर्ट में ये मामला चल रहा था, रद्द किया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक। वहीं पंजाब के होशियारपुर कोर्ट में चल रहा ये मामला जो है रद्द हुआ है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं अमन। अमन देखिए लगातार ये जो फैसला है, आज ये बड़ा फैसला सुनाया गया है और ऐसे में क्लीन चिट भी मिली है और वही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक भी लगा दिया। देखिए जिस तरीके से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और जिस तरीके से अब महरूम प्रकाश सिंह बादल जो अभिस्पनिया में नहीं है, उनका देहांत हो चुका है, करुण का अंतिम संस्कार हुआ था और कोर्ट का आज ये फैसला है जिस तरीके से क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से दी गई है और हाई कोर्ट के जो आदेश थे उसको भी अब रद्द कर दिया गया है, कहा जा सकता है एक बड़ा जो राहत है। हालांकि अब प्रकाश सिंह बादल इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक उनकी छवि, क्योंकि लोगों ने ये चीज जरूर देखी है कि किस तरीके से प्रकाश सिंह बादल का जो कद था, किस तरीके के वो नेता थे, तो इस तरीके का ये सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आना, जाहिर है कि इस रूप में देखा जा रहा है कि एक अलग फैसला जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्लीन चिट दे दी गई है। क्योंकि सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल के जो याचिका उन्होंने हाई कोर्ट में डाली थी और धोखाधड़ी और जो जालसाजी का जो मामला था ये दाखिल किया गया था और जो होशियारपुर कोर्ट में जो हुआ था तो उसके खिलाफ, और जिसके बाद उन्होंने हालांकि हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी सुप्रीम कोर्ट का, फिर उन्होंने इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से राहत जो मिली है और साथ ही साथ उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी रद्द कर दिया। तो एक उस रूप में भी देखा जा रहा है इस खबर को या इस फैसले को कि जिस तरीके से अब प्रकाश सिंह बादल इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो उनको एक उस रूप में देखा जा रहा है कि शायद कोर्ट का, हालांकि कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं अक्सर वो बड़े सख्त होते हैं, उनके लिए चीजें मैटर नहीं करती हैं, लेकिन जिस तरीके से राजकीय शोक 2 दिन का रहा, खुद प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचते हैं, तो तमाम जो चीजें थी वो देखने को मिली, लेकिन एक बड़ा अलग जो कोर्ट है वो देखा गया और एक अलग किस्म की जो ये जो जजमेंट दी गई है अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल अमन, देखिए ये जो फैसला है ये अपने आप में ही बड़ी बात है और यही वजह है कि अब हालांकि आपको ये भी जानकारी सामने आई है कि राहत जरूर मिली है, लेकिन अब ऐसे में अमन आपसे ये भी समझना चाहूंगी राजनेताओं के इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, क्या उनका कहना है? देखिए अभी तक कोई प्रतिक्रिया तो सामने नहीं निकल के, कोर्ट का जस्ट अभी फैसला ही इसके ऊपर आया है। जाहिर है अभी अकाली दल के कुछ लीडर्स के साथ उन्होंने चीज को बड़े श्लाघा की है, उनकी जो लीगल सेल के जो एडवाइजर है उनसे अभी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा फैसला है और जिस तरीके से ये सारी चीजें अभी पीछे बीती हैं, जिस तरीके से अभी प्रकाश सिंह बादल जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो जाहिर एक बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया और हम उसकी जो है तारीफ भी करते हैं, ये उन्होंने जरूर कहा है। ठीक है अमन, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए।